इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को 4 विकेट से हरा दिया है। 23 मार्च को पंजाब ने नए घरेलू मैदान महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शिखर धवन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 174 रन बनाए। इंपैक्ट प्लेयर अभिषेक पोरेल ने 10 गेंद पर नाबाद 32 रन ठोके। इसके अलावा शो होप ने 32, डेविड वार्नर ने 29 और अक्षर पटेल ने 21 रन बनाए। ऋषभ पंत 18 रन बनाए। पंजाब के लिए अर्शदीप और हर्षद पटेल 2-2 विकेट लिए। रबाड़ा, हर्षप्रीत और राहुल चहर ने 1-1 विकेट लिए। 175 रन के टारगेट के जवाब में पंजाब के लिए सैम करन ने 47 गेंदों पर 63 रन ठोके हैं। लियाम लिविंगस्टन ने 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। उन्होंने छक्के से मैच खत्म किया। इसके अलावा प्रभसिमरन सिंह ने 26 और शिखर धवन ने 22 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खलील अहमद और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के सड़क दुर्घटना के बाद 24 महीने बाद मैदान पर वापसी की है। खलील अहमद ने सैम करन को पवेलियन भेजा। उन्होंने 63 रन बनाए। स्कोरबोर्ड की अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर 29 रन बनाए, मिचेल मार्श 20, शाय होप 33, ऋषभ पंत 18, रिकी भुई 3, स्टब 5, अक्षर पटेल 21, सुमित कुमार 2, अभिषेक पोरेल 10 गेंदों पर 32 रन की धमाकेदार पारी खेली। कुलदीप यादव ने 1 रन बनाए। विकेट की अगर हम बात करें तो सैम करन 1 ओवर में 10 रन दिए। अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। रबाड़ा 4 ओवर में 36 रन देके 1 विकेट लिया। हर्षदीप बरार 3 ओवर में 14 रन दिए, 1 विकेट लिया। राहुल चहर 4 ओवर में 33 रन दिए और 1 विकेट झटके। हर्षर पटेल 4 ओवर में 47 रन और 2 विकेट लिया। अब अगर बात हम किंग्स 11 पंजाब की करें तो शिखर धवन 22 रन बनाए, जॉनी बेस्टो 9, प्रभसिमरन सिंह 26, सैम करन 63, जितेश शर्मा 9, लियाम लिविंगस्टन 38। अब दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो खलील अहमद ने 4 ओवर में 43 रन दिए और 2 विकेट लिए। ईशांत शर्मा 2 ओवर में 16 रन और 1 विकेट। मिचेल मार्श 4 ओवर में 52 रन, अक्षर कोई भी सफलता नहीं। अक्षर पटेल 4 ओवर में 25 रन, कोई सफलता नहीं। कुलदीप यादव 4 ओवर में 20 रन, 2 विकेट। सुमित कुमार 1.2 ओवर में 19 रन। इस मैच में दिल्ली के एक बल्लेबाज ने अपने दमदार प्रदर्शन का खूब सुर्खियाँ बटोरी। हैरानी की बात यह है कि पहले इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया था, हालांकि बाद में इन्हें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर भेजा गया। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत का यह फैसला सही साबित हुआ। अब जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उसका नाम अभिषेक पोरेल है। शुरुआती प्लेइंग 11 में उन्हें चुना नहीं गया था, हालांकि बाद में वह बतौर इंपैक्ट प्लेयर मैदान पर पहुंचे। दरअसल 138 रन के स्कोर पर दिल्ली के 7 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में टीम को एक मजबूत पारी की आवश्यकता थी। ऐसे में कप्तान अभिषेक पोरेल पर भरोसा जताया। उन्होंने मैदान पर पहुंचते ही चौके और छक्कों की बारिश शुरू कर दी। 21 वर्षीय बल्लेबाज ने 10 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाए। इस तूफानी पारी के दौरान उन्होंने 320 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। दिल्ली की पारी के आखिरी ओवर में अभिषेक पोरेल ने हर्षल पटेल की क्लास ली। उन्होंने गेंदबाज को निशाने बनाते हुए इसी ओवर में 25 रन बटोरे। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर दमदार चौका जड़ा, इसके बाद दूसरी गेंद पर छक्का मारा। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। पोरेल ने तीसरी और चौथी गेंद पर जोरदार चौके लगाए, जबकि पांचवीं गेंद पर एक और छक्का ठोक दिया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने 1 रन मिला। इस मुकाबले में हर्षल पटेल को 2 विकेट मिले। उन्होंने डेविड वार्नर और ऋषभ पंत को अपना शिकार बनाया। दिल्ली ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 174 रन बनाए। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर आए अभिषेक पोरेल ने हर्षद पटेल के 20वें ओवर में 25 रन बटोरे। उन्होंने 10 गेंद में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 32 रन बनाए। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन के चक्कर में कुलदीप रन आउट हो गए। 19वें ओवर तक दिल्ली का स्कोर 8 विकेट पर 149 रन था। पोरेल की धमाकेदार बल्लेबाजी की मदद से टीम 174 रन तक पहुंची। पंजाब ने 175 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पहले ही अपने इंपैक्ट सब की घोषणा कर दी। प्रभसिमरन सिंह उनके इंपैक्ट प्लेयर हैं।